हाय फ्रेंड्स, कुक विद क्षमा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा कटलेट। पोहा कटलेट बनाने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बाजू में जो बेल है उसे भी प्रेस करना ना भूले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो फिर आज हम बनाते हैं पोहा कटलेट। पोहा कटलेट बाहर से बहुत ही खस्ते होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं और खाने में भी बहुत खस्ते लगते हैं। ये सॉस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये नाश्ते में बनाने वाली डिश है। चलिए तो फिर आज हम बनाते हैं पोहा कटलेट। पोहा कटलेट बनाने से पहले हमें दो आलू उबालना है और आलू के छिलके निकाल के इसे कद्दूकस करना है। अभी इसमें दो तीन मिर्ची, हरी मिर्ची जो है, जीरा और हरी मिर्ची बारीक करके डालना है। अभी हमने ये एक आधी कटोरी पोहा जो है वो भिगो के रखा था। अभी इसे थोड़ा मिक्सर से बारीक करके इसमें डाल देंगे। आलू में मिक्स करना है पोहा, मोटा वाला पोहा लेना है, पतला नहीं लेना है। हरा धनिया डाल देना है, एक आधी कटोरी पोहा भिगाना है और उसे बारीक करना है मिक्सर में। अभी हमने स्वाद अनुसार नमक डालना है, अभी ये मूंगफली का कूट डालना है। एक कटोरी हमने मूंगफली, बारीक की हुई मूंगफली डालनी है और अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसे थोड़ा काला नमक डालना है और थोड़ा चाट मसाला डालना है। टेस्ट आने के लिए हमने अच्छी टेस्ट आने के लिए हमने थोड़ा चाट मसाला और काला नमक डाला है। अभी इसके छोटे छोटे कटलेट बनाने हैं। ऐसे आप गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो वैसे बना सकते हैं। अभी हमने पूरे कटलेट बना लिए हैं और तेल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। अभी इसे तलना है, अभी इसे फ्राई करना है। डालते वक्त अभी अपने को गैस बड़ा रखना है और बाद में मीडियम गैस में इसे पकाना है। इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा कलर आता है और ये खस्ते भी बनते हैं। थोड़ा गैस कम कर देना है अभी निकालते वक्त। देखिए अभी ये हमारे कटलेट तैयार हो गए हैं। अब ये ऐसे ही पूरे कटलेट हमने निकाल लिए हैं। देखिए अभी ये हमारे कटलेट तैयार हो गए हैं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।